हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द काइंड्स ऑफ वर्ब। क्लियर? सो अपना डायरेक्शन रहेगा नॉन फाइनाइट की तरफ, उसके लिए हमें फाइनाइट को भी समझना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह से। देखिए, ये वर्ब, तो वर्ब का जो क्लासिफिकेशन है वो कई तरह से हो सकता है। क्लियर? जैसी हमको जरूरत होती है, ट्रांजिटिव, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब, ऑग्जिलरी वर्ब, मेन वर्ब। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए, तो ये दो तरह से आती है। फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? ये कोई स्पेशल कैटेगरी की वर्ब नहीं होती, फाइनाइट या नॉन फाइनाइट। ये जनरल जो शब्द होते हैं, जनरल वर्ड्स होते हैं, रिप्रेजेंटिंग वर्ड्स, रिप्रेजेंटिंग वर्ब्स, वही है, उनका यूज होता है फाइनाइट के रूप में या नॉन फाइनाइट के रूप में। हाँ, कुछ वर्ब ऐसी होती है जो प्योरली फाइनाइट होती है, ठीक है, तो वो एक अलग मैटर। देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या होती है। ये नंबर एंड टेंस से प्रभावित हो जाती है, नंबर और टेंस का इन पे असर पड़ता है। क्लियर? नंबर और टेंस से ये क्या होती है, प्रभावित होती है। क्लियर? आप देखिए किस तरह से होती है, मींस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, और टेंस चेंज होता है तो उस हिसाब से। सेकंड टाइप की जो वर्ब होती है वो होती है नॉन फाइनाइट। कौन सी होती है? नॉन फाइनाइट। देखिए, नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है वो वर्ब इसकी जस्ट अपोजिट, मीन्स इन पे नंबर और टेंस का प्रभाव पड़ता है, नंबर बदलता है, माने वचन, हिंदी में कहते हैं उसको, सब्जेक्ट का वचन बदलेगा तो वर्ब बदल जाएगी, माने वर्ब का जो रूप है वो बदल जाएगा, फॉर्म में बदल जाएगी, टेंस बदलने पे भी वर्ब की फॉर्म बदल जाएगी। मीन्स जो जिस वर्ब पे, सेंटेंस में जिस वर्ब पे नंबर और टेंस का इफेक्ट पड़ जाए वो फाइनाइट, और जिस पे ना पड़े वो नॉन फाइनाइट। बस इतनी सी बात है। इस पे नंबर और टेंस का, इस पर क्या होता है, नंबर एंड टेंस हैज नो इफेक्ट। क्लियर? इस तरह से है। आगे बात समझ में। अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, ठीक है, इसको और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अफेक्टेड बाई बाई नंबर एंड टेंस। क्लियर? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? अब देखिए, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। ही डज नॉट वांट to go to see the Taj। ये लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसमें देखो कितनी बार आई, वन टू थ्री फोर। क्लियर? अब यहां पे देखिए, अगर इसमें ही की जगह दे कर दें, वी कर दें, कोई भी चेंजिंग, मैंने इसका नंबर बदल दें हम, दे he, if we change he into they, तो क्या हो जाएगा, यहां डू हो जाएगा, मींस ये चेंज हो गई। अगर हम टेंस चेंज करते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, हो जाएगा ना, तो ये हमारी कैसी वर्ब हो जाएगी, फाइनाइट। क्लियर? अगर हम यहां पे दे कर देते हैं तो ही डज नॉट वांट टू गो टू सी द ताज, दे करने तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट वांट टू सी द ताज,
अगर हम यहां डिड करते हैं तो ही डिड नॉट वॉन्ट टू सी द ताज, ये इफेक्टेड नहीं हो रही है, ना तो हमारे नंबर या वचन से इन पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, चेंज हो रही है ये, और ना ही ये टेंस के साथ कोई असर पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी नॉन फाइनाइट, ये क्या हो जाएगी नॉन फाइनाइट, ये क्या हो जाएगी नॉन फाइनाइट। ये बात समझ में आ गई। अब हम इसी एग्जांपल को दोबारा से लेते हैं, इसको एफर्मेटिव में लिख के देखते हैं। देखिए, ही वांट्स टू गो टू सी द ताज, इसको देखिए, अगर हम यहां पे नंबर बदलते हैं, दे कर देते हैं, वी कर दें, तो यहां क्या हो जाएगा, एस हट जाएगी, मींस वांट में चेंजिंग हुई। अगर हम इसको पास्ट टेंस में ले जाते हैं तो ये वांटेड हो जाएगा, तो भी इसमें चेंजिंग हुई, मींस ये फाइनाइट हो गई, इस पर कोई असर पड़ेगा नहीं तो ये नॉन फाइनाइट, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो ये नॉन फाइनाइट हो जाएगी। बात आ गई समझ में। एक चीज और देखिए, ही टीचेस मी, अब देखिए एक ही वर्ब है, नंबर बदल जाए सब्जेक्ट का तो टीच हो जाएगी टीचेस की, टेंस बदल जाए तो टीचेस की टॉट हो जाएगी, मींस ये फाइनाइट है। फिर इसमें ही हमारा प्रोनाउन है, मी हमारा प्रोनाउन है, यानी कि अदर कोई दूसरा शब्द वर्ब के नाम पे यहां पे देयर इज नो अदर वर्ड नेमिंग वर्ब, कोई ऐसा शब्द नहीं है, तो इसमें फाइनाइट कितनी हो गई, जीरो, कितनी हो गई जीरो। अब मैं लिखता हूं आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, ए टीचर नाउन है, क्या है नाउन है, आई क्या है प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है प्रोनाउन है, क्लियर। तो यहां पे हम देखते हैं कि वर्ब के नाम पे केवल एक ही शब्द है, क्लियर। आप तो ये क्या हो जाएगी फाइनाइट, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये अगर यहां पे ही करते हैं हम तो यहां इज हो जाएगा, इफ वी चेंज आई इंटू दे वी गेट आर हियर, क्लियर। तो ये चेंज हो रही है, टेंस चेंज करते हैं तो वाज हो जाएगी, क्लियर। हाँ आई एम सॉरी, मुझे ध्यान आ गया, यहां पे मैंने ये बोल दिया फाइनाइट हो जाएगी, ये भी ये चेंज, यहां पे जीरो नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब यहां पे कोई है नहीं, और ये चूंकि टेंस और नंबर से चेंज हो रही है तो ये फाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, इन इतने सारे एग्जाम्पल्स जो हमने 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इनसे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि कोई भी सेंटेंस बिना फाइनाइट वर्ब के नहीं हो सकता, नो सेंटेंस कैन बी मेड विदाउट ए फाइनाइट वर्ब, इन ए सेंटेंस वन एंड ओनली वन फाइनाइट वर्ब हैज टू बी देयर। सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब एक होती है और सिर्फ एक होती है, ना एक से कम, यानी कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि फाइनाइट वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस ही नहीं होगा, ये पक्की मान लीजिए आप, और एक से ज्यादा भी नहीं हो सकती इन ए सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, क्लियर। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब कितने हो सकते हैं, नो डेफिनेट नंबर, इनकी कोई संख्या पता नहीं है, जैसे इसमें जीरो थी नॉन फाइनाइट, इसमें भी नॉन फाइनाइट जीरो थी, इसमें नॉन फाइनाइट ये दो थे, टू वर्ड्स थे, इसमें नॉन फाइनाइट वन टू थ्री थ्री थे, एक फाइनाइट थी, तो सब में आप देखेंगे वन फाइनाइट वन फाइनाइट वन फाइनाइट वन फाइनाइट, बट द नंबर ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब वेरीज फ्रॉम सेंटेंस टू सेंटेंस, हियर वी फाइंड थ्री नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हियर वी फाइंड टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एंड हियर वी फाइंड नो फाइनाइट वर्ब, सॉरी नो नॉन फाइनाइट वर्ब, एंड हियर आल्सो वी फाइंड नो नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लियर। तो एक चीज तो हमारे सामने निकल के ये आ गई बिल्कुल क्लियरली कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में कंपलसरीली होती है और सिर्फ एक होती है, क्लियर, एक चीज तो निकल के ही आई। और नॉन फाइनाइट वर्ब का नंबर कितना होता है कोई पता नहीं, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं तो फाइनाइट वर्ब तो लिमिटेड हो गए, सारी हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब होती है, सारे मॉडल्स फाइनाइट वर्ब होते हैं, प्लस सारी वर्ब फाइनाइट के रूप में काम कर सकती हैं अगर वो सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट शब्द के रूप में आ गई हैं। जैसे भी हमने देखा था डज नॉट, तो डज फाइनाइट थी, जब डज नॉट हट जाता है सेंटेंस तो वांट फाइनाइट आ गई थी वांट्स के रूप में, समझ में आ गई ये बात। अच्छा, अब इसके हम देखते हैं काइंड, तो किस किस तरह से एक वर्ब जो है नॉन फाइनाइट की पोजिशन में एक सेंटेंस में नॉन फाइनाइट वर्ब
किस किस प्रकार से आ सकती है, दैट वी विल सी। देखिए देखिए आप, आई एम सॉरी, सबसे फर्स्ट नंबर आता है जीरंड, फर्स्ट वन है जीरंड, आगे पीछे भी ले सकते हो, देर इज नो रूल, फर्स्ट नंबर है जीरंड एंड नथिंग नो, आई टोक एज ए फर्स्ट पॉइंट जीरंड। सेकेंड पॉइंट इज इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव्स, एंड द थर्ड पॉइंट इज पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स, क्लियर। अब हम यहां पे देखते हैं कि जीरंड क्या होता है, डूइंग फॉर्म को जीरंड कहते हैं, लेकिन कब, जब ये क्या करती है, वर्क एज ए नाउन इन ए सेंटेंस, वर्क एज ए नाउन, तब इसको जीरंड कहेंगे। और अगर यहां पे डूइंग जो है नाउन का काम नहीं कर रही है तो फिर वो जीरंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी और आता है, एक बार फिर से इसको अपन लेंगे, यहां पे बाद में कुछ आएगा। इन्फिनिटिव होता है वर्ब का टू डू फॉर्म, कौन सी फॉर्म होती है, टू डू फॉर्म, क्लियर। तो ये दो तरह के होते हैं, एक तो टू के साथ आता है और एक टू के साथ नहीं आता है। जैसे मैं कहूं आई शैल गो या आई विल गो, क्या कहूं मैं, आई विल गो। अब ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव कहा जाएगा क्योंकि इन्फिनिटिव विदाउट टू, और ये क्या हो गई हमारी फाइनाइट वर्ब, ये क्या हो गई नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट में से कहां ले जाओगे, इन्फिनिटिव्स में। तो इन्फिनिटिव्स दो प्रकार से आता है, एक तो टू के साथ आता है, एक विदाउट टू आता है। विदाउट टू के इन्फिनिटिव को हम वेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, कौन सा कहते हैं, वेयर, मीन्स ये दो तरह के हो जाते हैं, किस तरह से, सिंपल इन्फिनिटिव विथ टू हो जाता है और वेयर इन्फिनिटिव, ठीक है। तो इसके चक्कर में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हम तो सीधे सीधे आते हैं, दोनों को इकट्ठा करके बात करते हैं। सिंपल इन्फिनिटिव में ले लीजिए, वेयर इन्फिनिटिव हो गया और इसी में से ये है आपका ये। अब सिंपल इन्फिनिटिव को हम टेंस के आधार पर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि टू डू, ये इंडेफिनिट इन्फिनिटिव हो जाएगा, है ना, टू बी डूइंग, टू बी डूइंग ये आपका कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव हो जाएगा, टू हैव डन, टू हैव डन परफेक्ट इन्फिनिटिव, और टू हैव बीन डूइंग, टू हैव बीन डूइंग, ये कौन सा हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, क्लियर। जब सेंटेंस में दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो अपन सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से काम कर लेते हैं। अच्छा, इनका जो सेंस निकलेगा वो भी उसी हिसाब से निकलेगा, इनका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किस हिसाब से होगा, जिसमें कि टू से पहले वाली कोई फाइनाइट वर्ब होगी, जो टेंस वो बताएगी वही टेंस ये चारों इन्फिनिटिव फॉलो, कल पास्ट की है तो ये पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस वगैरह वगैरह, फ्यूचर की है तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट की कोई वर्ब लगी है पहले फाइनाइट उसके बाद में ये आए हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस वगैरह चल जाएगा, क्लियर। इस तरह से इनका चलता है, इसमें से इनके पैसिव भी होते हैं इन्फिनिटिव पे, टू टू का पैसिव क्या हो जाएगा, टू बी डन, जिन लोगों ने हमारे पैसिव के वीडियो देखे वो आसानी समझ सकते हैं। अच्छा, यहां पे टू बी डूइंग है, टू बी डूइंग का पैसिव होता नहीं है, टू हैव, टू हैव डन का पैसिव क्या बनेगा, टू हैव बीन डन, टू हैव बीन डन, और इसका फिर से पैसिव नहीं होता, क्लियर। इनका पैसिव क्यों नहीं बनता है, उसकी एक सिंपल सी वजह है कि नॉन फाइनाइट पोजीशन में किसी भी वर्ब को हम रिपीट नहीं कर सकते। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो यहां पे बी भी नॉन फाइनाइट है, डूइंग भी नॉन फाइनाइट है। अगर इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, जस्ट सी, टू बी तो ज्यों का त्यों रहेगा, डूइंग का पैसिव क्या होता है, बीइंग डन, तो ये क्या बन जाएगा, बीइंग डन। तो यहां पे देखिए, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है, ये भी नॉन फाइनाइट है। अब हम देखेंगे बी और बी, सेम वर्ब हैज बीन रिपीटेड हियर इन द नॉन फाइनाइट पोजीशन ओनली, सो इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है। द सेम कंडीशन अराइजेस हियर, बीन और फिर बीइंग डन, तो बी फिर से रिपीट हो रही है, इसलिए इनका पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है। जनरली ये इनका पैसिव क्यों नहीं बनता है, ये किसी बुक्स वगैरह में लिखा नहीं मिलेगा, सो प्लीज नोट द स्टूडेंट्स मार्क ऑफ इट, क्लियर। ये हो गया ना, अब इनके यूजेस हैं
वो हम इन्फिनिटिव्स का वीडियो अलग से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा और बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाएंगे, आसान भाषा में। अब हम देखते हैं पार्टिसिपल्स को, ठीक है। पार्टिसिपल्स हमारे देयर आर ऑफ थ्री काइंड्स। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब पार्टिसिपल हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, पार्टिसिपल का यहां पर चल ही रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट चलो लिख ही देते हैं, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्लियर। प्रेजेंट पार्टिसिपल किस रूप का होता है, डूइंग का। किस रूप का होता है, डूइंग का। अब डूइंग या जीरंड में भी आ रही है, मैंने कहा था ना अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे, तो ये ध्यान रखना। डूइंग जब नाउन का काम करती है, किसका काम करती है, नाउन का, तब तो वो जीरंड होगी। और डूइंग जब वर्ब का काम करती है या नाउन के अलावा कोई भी काम करे, वर्ब का काम करे, एडजेक्टिव का करे, एडवर्ब का करे या कोई भी अदर वर्ब करती है वो, तो फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही रहता है। एक एग्जांपल देख सकते हैं, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। चलो ठीक है, गुड फॉर हेल्थ। चलिए अब ये देखिए, रनिंग क्या बन गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे, जीरंड कहेंगे। और अब मैं ये लिखता हूं आई एम रनिंग, अब ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ए रनिंग बस, आई सॉ ए रनिंग बस। यहां पे बस नाउन है तो ये एडजेक्टिव हो गया। जब बाद में डिस्कस करेंगे, जब उसका आएंगे तब, तो ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। यहाँ पे ये वर्ब है, ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये नाउन है तो इसको अब हम क्या कहेंगे, हम जीरंड कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कहेंगे। मैंने जीरंड के साथ केवल स्पेसिफिकेशन है, एक ही बात याद रखनी है कि अगर डूइंग नाउन के काम कर रही है तो वो जीरंड है, अन्यथा वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन हियर, ठीक है, इन योर माइंड्स प्लीज। अब यहाँ पे आते हैं डूइंग। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म को, यानी कि डन को। किसको कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि डन। तो डन जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए, किसी भी रूप में आ जाए, इसमें डूइंग जैसा कोई झमेला नहीं है, नाउन करें, ये करें, वो करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्ड फॉर्म कहीं पर भी आ जाए, आप उसको पास्ट पार्टिसिपल ही कहेंगे, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो चीजें आती हैं, एक तो हैविंग डन, हैविंग डन, और दूसरी बीइंग डन, BEING, बीइंग डन, क्लियर, हैविंग डन और बीइंग डन। हाँ, इसका हैविंग डन का पैसिव भी आ जाता है, हैविंग और डन का पैसिव क्या होता है, बीन डन, परफेक्ट टेंसेस में देखा है आपने, तो हैविंग बीन डन, इसका पैसिव भी आ जाता है। तो ये सारी चीजें हम जब पार्टिसिपल्स का एक वीडियो अलग से बनाएंगे, नॉन फाइनाइट के अंतर्गत ही, तो उसको आप देखें, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इन्फिनिटिव्स का वीडियो अलग मिलेगा आपको, और जीरंड का अलग मिलेगा। ये तो हमने केवल उसका बेसिक कंसेप्ट करवाया है आपको, क्या कहते हैं, क्लियर करने के लिए ये चीज यहां पे लिख दी है, ठीक है। और कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।